जेठानी ले आई गांव वाली देवरानी। चलाकी ऐसी चीज है जो करनी सभी को भारी ही पड़ती है, लेकिन कोई समझे तब ना। आजकल लड़कियां ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल से तो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू मिली है सोनम, बस उसके जैसी ही एक और मिल जाती छोटे विजय के लिए। रीटा बहन की सोच थी कि बहुओं को बेटियों की तरह रखना। उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए भी पढ़ी लिखी कमाओ बीवी चाहिए थी, लेकिन क्यों भाभी ऐसा क्या हो गया है? बेटे आपके सुंदर, घर आपका बड़ा और सोच भी आपकी सास वाली भी नहीं है, तो क्यों नहीं मिलेगी बहू? और सोनम बहू को देखो कैसे राज कर रही है पूरे घर में। मैं अपने विजय के लिए भी सोनम जैसी नौकरी करने वाली बहू ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रही। काम करने वाली बहू, लेकिन भाभी ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के लड़कों को ऐसी ही लड़कियां ज्यादा पसंद होती है जो उनके कदम से कदम मिलाकर चले, अपने पति की बराबरी करे। कल को एक की नौकरी ना रहे तो दूसरा सहारा बने। जेठानी जो मन में सोचती है कि भाई छोटी भी नौकरी पेशा आ गई तो घर का काम कौन करेगा, उसे देवरानी नहीं बस एक नौकरानी की तलाश थी। अरे कैसी बात कर रही है माँ, मैं तो नौकरी पेशा होकर पछताती हूँ, वो भी आ जाएगी तो कैसे घर का काम काज होगा। अरे मेरे लिए तो ऐसी बहू भी चलेगी, लेकिन क्या मेरे विजय को ऐसी बीवी चलेगी? मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। अरे भाभी क्यों नहीं, बहू सही तो बोल रही है, और वैसे भी लड़कों को ऐसी ही लड़की ज्यादा अच्छी लगती है जो घर परिवार देखती है। बाकी विजय तुम्हारा राजी रहे, पैसे की कमी थोड़ी ना है जो बहू का मुंह देखना पड़े। लो जी जेठानी की चाल तो कामयाब हो गई। वो समझ जाती है कि अब तो उसका ही राज चलेगा, क्योंकि जैसा वो चाह रही है वैसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसी लड़की भी कौन सी आसानी से मिल जाती है, आजकल तो लड़कियों को भी माँ बाप लड़कों की तरह पढ़ाते हैं। शादी के वक्त ही पूछ लेते हैं कि भाई हमारी लड़की की नौकरी तो नहीं छुड़वाओगे ना? क्यों बहू भूल गई तेरे पापा ने क्या कहा था? माँ जी उसकी चिंता मत कीजिए, देवर जी के लिए एक सुंदर और घरेलू बीवी ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिनों बाद हाँ माँ जी वो तो पापा थोड़ी ज्यादा ही सोचते हैं, नहीं तो कौन पिता नहीं चाहता कि बेटी ससुराल में काम करे, सास की सेवा करे। वैसे माँ जी मुझे अपने देवर जी के लिए एक सुंदर सी देवरानी मिल गई है। अच्छा मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या देखा है तूने अपनी देवरानी में। वैसे बात तो सही है, घर में भी तो कोई रहना चाहिए, घर दिन में ना काटने को दौड़ता है। जानती हूँ माँ जी, देखिए ये है रूपाली, ये एक छोटे से गांव से है, बहुत ही सुंदर सुशील है, एकदम घरेलू टाइप। अरे मैंने तो सुना है कि पूरा मोहल्ला उस लड़की के गुणों की तारीफ करते नहीं थकता। अरे शादी हो गई ना देवर जी की तो राज करेंगे इसके साथ। हाँ जेठानी सास को फोटो पकड़ा देती है, फोटो देखकर हाँ सुंदर तो बहुत है, बाकी मिलकर ही पता लगेगा कि क्या करती है कैसी है, और फिर विजय को भी तो पसंद होनी चाहिए ना। तो माँ जी आप कहे तो कल ही इनके घर चलते हैं, लड़की को भी देख ले और विजय भैया भी बात कर ले, और विजय भैया को मैं बता दूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तुझे जेठानी बनना है, तू तो घर का सब जानती है, तो देख ले जो सही लगे कर ले, ठीक है। शाम को देवर से, देवर जी ये देखिए कैसी है ये लड़की, कैसी लगी, माँ जी को तो बहुत पसंद है। देवर फोटो देखता है, उसे लड़की गंवार सी लगती है। नहीं भाभी ये नहीं, इसे मैं सोसाइटी में कैसे अपने साथ खड़ा करूंगा, नहीं 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 नहीं। जेठानी को अपनी सत्ता हिलती सी दिखती है, वो सोचती है कि अगर देवर ने कोई अपनी पसंद की लड़की खड़ी कर दी तो क्या होगा, घर बाहर का काम कर करके उसका तो जूस निकल जाएगा। ये सोचकर वो जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं देवर जी आप ऐसा नहीं कर सकते। देवर हैरान, अरे किया क्या बेचारे ने, क्या नहीं कर सकता, अरे क्या सोच रही है भाभी। गरीब लड़की जिसने आपकी फोटो देखते ही आपको देवता माना, आपसे तो वो मन ही मन शादी भी कर चुकी है, माँ जी ने उसे ही इस घर की बहू के रूप में देखा, लेकिन आपको क्या, आप तो प्रैक्टिकल है, आप तो किसी हुस्न परी से शादी करनी है।
देवर भाभी की इमोशनल ड्रामे का शिकार हो जाता है और मान जाता है शादी के लिए। ऐसे ही सब लड़की से मिलने जाते हैं और लड़की पसंद आने पर जिठानी देवर और देवरानी की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद एक नंबर की गमार। अब देखो रूपाली, मुझे जॉब के लिए देर हो रही है, एक काम कर दो मेरा, कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, आज से ना मेरे पहनने वाले सारे कपड़े तुम धो दिया करना, ठीक है? देवरानी जो जिठानी के सारे हुक्म किसी आका की तरह माना करती, वही जिठानी भी अपने गेम को खुल कर खेल रही थी। शाम को, अरे बहू मेरे लिए जरा एक कप चाय बना कर लाना। रूपाली, माँ जी को एक कप चाय बना कर दे दो। लेकिन भाभी मैं तो, प्लीज रूपाली, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जी ठीक है। अच्छा हुआ मैं अपने लिए एक घरेलू देवरानी ढूंढ कर लाई, अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मुझे बस जॉब का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो प्यारी प्यारी देवरानी संभाल लेती है। वाजी वाह, कितनी समझदार हूँ मैं। लेकिन दिन एक से नहीं होते, जो नया होता है वो एक दिन पुराना हो जाता है और वो रंग सामने आता है जो उसका असली रंग होता है। और फिर रूपाली जरा मेरा फोन पास करना, और वो फोन में चार्जिंग नहीं होगा, मेरे बैग में चार्जर रख देना। और हाँ बस जितने दिन की ऐश थी जिठानी साहिबा की वो खत्म, और देवरानी का असली चेहरा बाहर। क्यों दीदी, आप क्या कर रही हो, बैठी ही तो हो। और दीदी ये छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो, वैसे भी ऑफिस में भी तो काम करती होगी ना, हैं? हाय रे, ये क्या, सत्ता तो अभी तो बनी थी, आक्रमण हो गया और पूरा ख्वाबों का किला धुस। ओए सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गंवार कहीं की, मैं ना होती तो किसी गांव के घर में चूल्हा फूंक रही होती। ओए होए, ये मुंह और मुक्की दाल, मैं कहां बैठी होती ये आपको ज्यादा पता है, मेरी सुंदरता और गुणों की चर्चा सात समंदर पार तक थी, तो मैं कहां होती ना, इसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। अगले दिन, अरे माँ ये देवरानी साहिबा कहाँ है, उठी नहीं है क्या अभी तक? अरे वो है कहाँ, वो तो सुबह की बस से ही गांव चली गई। और हाँ, वो बात कर ही रही थी कि सामने से जिठानी का फोन आ जाता है। सुनिए दीदी, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, मेरी बस का टाइम हो गया है, इसलिए मैं कपड़े और बर्तन धो कर नहीं गई हूँ, इसलिए वो काम आप ही कर लेना। और हाँ सासू माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना, कमाई के चक्कर में ना हवा हवाई मत हो जाना। हाय रे, जिठानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों क्यों नहीं करके गई हो, और माँ जी ने हाँ बोला था क्या जाने के लिए, और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि जाऊं या नहीं। माना भाभी बहुत गर्मी है, लेकिन ये क्या कि आप अपना मानसिक संतुलन ही छोड़ देती हैं, अरे बकवास करने की भी हद होती है भाभी। अच्छा तो तुम वापस आओ, काम पूरा करो और फिर जहां जाना है जाओ। सास सब सुन रही थी, वो समझ जाती है कि जिठानी ने किस मकसद से देवरानी की शादी इस घर में करवाई है। फिर एक रोज जब देवरानी वापस आती है तो, माँ जी मेरे ना होने पर लग रहा है कि नाश्ता खाना आपने सब छोड़ दिया था, कैसी पतली हो गई है इतने दिनों में। अरे कौन देगा मुझे खाना, वो तो नौकरी करती है, तू भी किसके भरोसे छोड़ कर चली गई मुझे। अरे का करती माँ जी, माँ की तबीयत खराब थी ना तो गई थी, वरना नहीं जाती, वैसे भी ना माँ जी भाभी को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए, हम कौन सा उनके पैसे रखते हैं, अरे घर उनका भी तो है ना। ये बोलकर गांव से सफर करके जो लड़की आई वो तुरंत सास को खाना देने के लिए किचन में घुस गई। तभी जिठानी, अरे आ गई हो तो चाय भी बना दो, और हाँ खाना थोड़ा जल्दी कर दो, मैं पैक करके भी ले जाऊंगी। सास को गुस्सा आता है, देख बड़ी बहू तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, छोटी ही काम करती रहे ये ठीक नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, मैं कमाती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती, ये इस गंवार से करवाओ, वैसे भी घर के काम तो छोटे लोग ही करते हैं। तभी देवरानी आ जाती है। माँ जी आप ना परेशान ना हो, मैंने शाम के खाने के लिए एक छुट्टी लोग जैसी नौकरानी रख ली है, सुबह का मैं बनाऊंगी और रात का या तो भाभी या तो वो नौकरानी, और नौकरानी के पैसे तो भाभी ही देंगी ना, क्योंकि वो कमाती जो है। सास को बहू का आइडिया तो अच्छा लगता है, लेकिन जिठानी
वो अब शाम का खाना बनाती है, क्योंकि पैसे वो भी औरतों के पर्स से निकले। अरे ना जी ना।